हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल प्रसून की पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। हम दोस्तों कर रहे थे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का ये हमारा पार्ट 6 होगा। इसमें हम क्षमता और समय पर आधारित प्रश्न करने वाले हैं। इसमें मैं एक टाइप आपका पूरा क्लियर करा दूंगा, फिर इस टाइप से रिलेटेड आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे अगर आप ध्यान से इन क्वेश्चंस को आज देख लेते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। 40 क्वेश्चन हम लोग अपने पिछले वीडियोज़ में कर चुके हैं। आज आपका क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, कह रहे हैं ए किसी कार्य को करने में बी और सी द्वारा मिलकर लिए गए समय का दोगुना समय लेता है। ये ए है और ये बी प्लस सी है। ये क्या कर रहा है, ए इससे दोगुना समय ले रहा है। तो कन्फर्म है, ये अगर एक लेगा समय तो ये दो लेगा। तो अगर समय इनका एक और दो रेशियो है, हमको क्षमता का रेशियो मतलब होता है, क्योंकि हम दिन को क्षमता से गुणा करके कुल टोटल काम निकालते हैं, ये कल मैंने बताया था। तो समय का जस्ट उल्टा क्या होता है, क्षमता होती है। तो इनकी क्षमता का रेशियो एक और दो निकल आएगा, इसका काम यहाँ से ख़त्म। फिर उन्होंने कहा है बी ए और सी द्वारा मिलकर लिए गए समय का तिगुना समय लेता है। बी जो है ए और सी के द्वारा लिए गए कुल समय का तिगुना समय लेता है। तो ये अगर एक लेता है तो ये तीन लेता है, ये समय का रेशियो है। तो क्षमता का रेशियो एक रेशियो तीन आएगा। ठीक है, आप बात पता चल गई आपको। बाद में इन्होंने कहा है ये तीनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो 15 दिनों में कार्य को पूरा कर लेते हैं। तो देखिए सी अकेले किससे कार्य करेगा, कितने दिन में, तीनों का इन्होंने टाइम दे दिया गया है कि 15 दिन में करते हैं। अगर तीनों की क्षमता से यहाँ पे गुणा कर दो तो टोटल काम निकल आएगा, और सी से करने के लिए सी की क्षमता से भाग कर दोगे तो सी के दिन निकल आएंगे। अब बात यहाँ पे उठती है कि हम सबकी अलग अलग क्षमता कैसे निकालें। तो देखें भाई, इनकी क्षमताओं का रेशियो क्या है, एक दो और एक तीन। यहाँ देखिए ए बी सी, यहाँ पे देखिए बी ए सी, दोनों जगह तीनों हैं मिक्स। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं दो प्लस एक, तो यहाँ पे देखिए तीन आ रहा है, और यहाँ पे जोड़ने पे देखिए चार आ रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल हो गया कि यहाँ भी ए है बी है सी है, यहाँ भी ए बी सी है, इसको जोड़ने पर तीन, इसको जोड़ने पर चार कैसे आ रहा है। तो भाई हमको ये गवारा नहीं है, हम इसे क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो ये तो आप आसानी से कर सकते हो, आप इस तीन को पूरे को चार से गुणा कर दो, इसको तीन से गुणा कर दो, बस हो गया। तो आप इस चार को अगर यहाँ गुणा करोगे एक में तो ये चार बन जाएगा, दो में करोगे तो आठ बन जाएगा, इस तीन का इसमें करोगे एक बन जाएगा, इसका इसमें करोगे नौ बन जाएगा। अब देखिए आप, आठ चार बारह सेम है, नौ तीन बारह सेम है, सेम ही करना था हमें, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं सिंगल ए की क्षमता लेना चाहूँ तो कितनी है, यहाँ पे चार है। बी की क्षमता लेना चाहूँ तो तीन है, चार तीन सात, और मिला के सबकी कितनी थी, बारह। तो सी की कन्फर्म पता चल गई पाँच होगी, तो सबकी पता चल गई। तो टोटल तो क्षमता उनकी 12 है ही है, कोई दिक्कत नहीं। काम आपको सी से कराना है, आई थिंक सी से कराएंगे, सी की ही कराएंगे, क्योंकि सी की निकालनी पड़ती है। तो सी की क्षमता क्या निकाली मैंने, पाँच, आप पाँच से गुणा करिए तो तीन करिए, 12 तीन 36 दिन निकाल लीजिए। तो ये ओरल क्वेश्चन कर सकते हैं आप, है ना, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आप कर सकते हो। तो 36 दिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। आप करेंगे अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन आप खुद से करिएगा और बहुत अच्छे से कर पाएंगे, केवल देखते ही क्वेश्चन कर सकते हो आप। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे ध्यान दीजिएगा। कह रहे ए और बी मिलकर किसी कार्य को करने में सी से 1/3 का, देखिए यहाँ पे ए प्लस बी और सी, 1/3 दिया गया है ना समय का रेशियो। तो कुल मिला के ये समय बाद वाले का है सी का, और ये समय ए प्लस बी का है। तो इनकी क्षमता का रेशियो जस्ट आप उल्टा कर दिया करिए, 3:1। दूसरी कंडीशन दी है कि बी और सी मिलकर उसी कार्य को ए से 1/4 समय लेते हैं। बी और सी उसी काम को ए से 1/, अब क्या हो गया, 1/4। 1/4 का मतलब क्या हुआ कि ए का समय 4 है, बी प्लस सी के समय 1 है, 1:4 इनके समय का रेशियो है। तो इनकी क्षमता का रेशियो 4:1 कर दो। फिर यहाँ पे देखो कि 4:3:1:4 आ रहा है जोड़ने पर, और ये 4:1:5 आ रहा है, तो ये बराबर क्यों नहीं आ रहा है, और हैं तो तीनों एक ही चीज़। तो बराबर करने के लिए यहाँ 5 से गुणा करिए, यहाँ 4 से गुणा करिए। इसको 5 से गुणा करेंगे आप तो 5 3 15, 5 1 5, 4 से करेंगे 16 4, ये देखिए 5 15 प्लस 5 20, 16 प्लस 4 20,
बराबर हो गया। सबकी क्षमताएं कैसे पता करोगे? सी की क्षमता देखिए 5 है, ए की क्षमता देखिए 4 है, तो 5 और 9 टोटल मिला के क्षमता कितनी थी? 20। तो आपका बी बचा, तो बी की 11 निकल आई। अब इन्होंने क्या कहा है कि तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो 22 दिन में होता है, तो ये 22 हो गया। तीनों की क्षमता से गुणा कराइए क्योंकि तीनों मिलकर कर रहे हैं। अब देखिए बी से ही काम पूछेगा क्योंकि बी को आपको निकालना पड़ता है और पूछा भी है। देखिए बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो 11 से भाग कर दीजिए, तो ये आ गया आपका 40 दिन। तो 40 दिन में इस काम को करा लेगा कौन? बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। सेम क्वेश्चन है सारे, आप आसानी से करिए, ये टाइप है आपका, एक बढ़िया क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला है? कह रहे हैं कि ए बी मिलकर किसी कार्य को सी से 5/8 समय में, ए बी और सी 5/8 बोला है, तो आप 8/5 कर दीजिए क्षमता के रेशियो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहे हैं बी उसी कार्य को ए और सी के द्वारा लिए गए समय का 11/9 इसका 11 इसका, तो आप क्या करिए 9/9 कर दीजिए। देखिए 8/5 जोड़ने पर 13, 9/11 जोड़ने पर 20, बराबर करने के लिए यहाँ 20 से गुणा करें, यहाँ पे 13 से गुणा करें। आप देखेंगे 20 का इसमें गुणा करोगे 160, इसमें गुणा करोगे 100, इसमें गुणा करोगे 117, इसमें गुणा करोगे 13 का 11 में गुणा करोगे 143, 143 एक 14, 143 एक 143 एक 14, 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 143। अब देखिए सी की अलग क्षमता 100 पता चल गई, बी की अलग क्षमता 117 पता चल गई, और 100 और 160 टोटल क्षमता उनकी कितनी आई? 260 टोटल आ रही है। और ए की कितनी पता चल गई, सॉरी सी की कितना पता चल गई? 100। बी और बी की कितना पता चल गई? 117। तो टोटल मिला के 217 हो गई, 260 टोटल थी, उसे 217 घटाओगे तो ए की 43 आ जाएगी। उन्होंने कहा है कि तीनों मिलकर कार्य को 43 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर कार्य को 43 दिन में करते हैं, 43 दिन में कर रहे हैं कार्य को, दिन दिया है। टोटल काम निकालने के लिए टोटल क्षमता से तीनों की क्षमता जोड़े के 260 है। अब पूछेगा, देखो किससे पूछेगा, आपसे ए ही पूछेगा क्योंकि ए ही आपने यहाँ से निकाला है, बाकी तो बी और सी तो डायरेक्ट दिया था ना उसने। तो ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो ए अकेले इस कार्य को 260 दिन में करेगा। हो गया क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन 43 हुआ। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़िए, लास्ट क्वेश्चन है, समझ के करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहे हैं कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को करने में सी से 50% समय, भाई 50% का मतलब क्या होता है? 1/2। तो अगर ए प्लस बी और सी का समय का रेशियो 2:1, इसका 2 होगा इसका 1 होगा, तो आप क्षमता को निकाल लेंगे 2:1, उल्टा कर देंगे। फिर उन्होंने कहा है कि बी और सी मिलकर ए से 33 / 1/3%, तो मतलब 1/3, तो इसका समय 3, इसका समय 1, तो क्षमता आप क्या करिए, इसकी 3 समय है, इसका 1, तो आप 3 और 1 कर दीजिए। ठीक है, क्या क्षमता? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 1 3, 3 1 4, बराबर करने के लिए 4 से गुणा 3 से गुणा, 4 2 8, 4 1 4, 3 3 9, 3 1 3, 8 4 12 टोटल है। तो सी की क्षमता 4, ए की क्षमता 3, 4 3 7, तो बचा कौन? बी। बी की क्षमता कितनी आएगी? 5। बी से ही पूछेगा काम कराने को। कह रहे हैं कि अब देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ए और सी एक दिन के, बी लगातार करें, यदि बी प्रतिदिन कार्य करे, ए और सी एक दिन के अंतराल में उसकी सहायता करें। थोड़ा ध्यान से ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में। देखिए बी क्या कर रहा है? लगातार काम कर रहा है। बी पहले दिन भी काम करेगा, बी दूसरे दिन भी काम करेगा, अंतराल में एक दिन इसकी सी ए सहायता करेगा, एक दिन इसकी सी सहायता करेगा, और काम कितने दिन में पूरा हो रहा है? 18/7/8 दिन में। तो इस दिन को आप कैसे बांटते हैं जानते हैं? पहले ये वाला 18 को आधा आधा बांट दीजिए, 9 इसको दे दीजिए, 9 इसको दे दीजिए, ये 7/8 वाला इसको दे दीजिए, तो कर्म कुल मिला के
बी और ए मिलकर के 9 सही 7/8 दिन काम करेंगे और बी प्लस सी मिलकर 9 दिन काम करेंगे, तभी 18 सही 7/8 दिन में काम होगा। तो बी प्लस ए की क्षमता कितनी है? देखिए बी की क्षमता आपने निकाली है बी, देखिए सी की क्षमता आपने 4 निकाली, ए की क्षमता 3 निकाली, तो बी की क्षमता 5 निकाली थी और ए की क्षमता 3, तो बी और ए की क्षमता मिला के 8, तो ये इतना काम हो जाएगा टोटल, ये इनके द्वारा काम करा जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से बी की क्षमता कितनी निकाली आपने, बी की क्षमता निकाली आपने 5 और सी की क्षमता कितनी है 4, तो 9, इतना काम ये होगा। तो टोटल काम कैसे निकालोगे भाई, देखो देखो 9 8 72 72 और 7 को जोड़ोगे आप तो 79/8, ठीक है, और इनटू 8 और प्लस का 81, ये 8 8 कट जाएगा, तो 9 1 10 और 7 और 8, 8 और 7 जोड़ो, देखो 9 1 10 और 8 8 जोड़ लो 16, 160 टोटल काम आपका निकल आया। अब पूछा क्या है, बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बी की क्षमता आपने अभी मैंने बताया सी की 4, ए की 3, बी की 5, तो 5 कराया, 5 3 15 और बचेगा 1, 5 2 10 32 दिन, ओके 32 दिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से आप समय और क्षमता पर आधारित सारे क्वेश्चन कर सकते हो बहुत आसानी से। मैंने आपको 4 क्वेश्चन अपने वीडियो में बता दिए हैं, इससे ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद ज़रूर आए होंगे, आपका ये टाइप क्लियर हो गया होगा। हो सकता है कि इस वीडियो में मैं थोड़ा सा जल्दी स्पीड में क्वेश्चंस बताता हूँ, तो जैसा भी रहा हो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। इसी तरीके से टाइम एंड वर्क को कंप्लीट अपने चैनल पर मैं सॉल्व कराने वाला हूँ, सारे टाइप क्लियर कराने वाला हूँ और कंप्लीट मैथ्स मैं आपके लिए अपने चैनल पर वीडियो बनाऊँगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो, आपका ये टाइप क्लियर हो गया हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जैसे डेली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।